शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब तेजी से जा रही बस अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई। इस हादसे में दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को खुटार पीएससी में भर्ती कराया गया, जहां 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना थाना खुटार के टोल टैक्स के पास की है। बताया जा रहा है कि सभी यात्री प्राइवेट बस से गाजियाबाद से बहराइच जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। रामपुर के शाहबाद क्षेत्र में मायके जा रही महिला को कार में लिफ्ट देकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। डर के कारण पीड़िता ने परिजनों से घटना छुपाए रखी, लेकिन आरोपियों ने घटना के दौरान बनाई वीडियो वायरल कर दी। इसके बाद पीड़िता ने दो नामजद समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए आरोपियों में हिम्मतपुर गांव निवासी सोनू, अशोक और मुकुल शामिल हैं। बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से 24 की मौत होने के बाद चंदौली के आबकारी विभाग ने भी अपनी कमर कसते हुए जनपद में संचालित सभी देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया। वहीं दुकान मालिकों को सख्त हिदायत दी गई। ये उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में यदि शराब सप्लाई की कोई भी शिकायत मिलती है तो दुकान का लाइसेंस तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि बिहार में शराब प्रतिबंधित होने के कारण अवैध शराब की सप्लाई को भी रोकने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। अम्बेडकर नगर में सरफिरे पति ने शक में अपनी पत्नी समेत 3 लोगों को दिन दहाड़े गोली मार दी। पत्नी की तत्काल घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। पति को पत्नी पर नाजायज संबंध का शक था। इसके बाद आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। घटना कोतवाली अकबरपुर के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहसिनपुर की है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बाराबंकी में हुई जहरीली शराब से मौतों के बाद आजमगढ़ पुलिस अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रही है। वही पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब सिधारी थाने और एंटी एक्सटॉर्शन टीम के संयुक्त अभियान में 50,000 के इनामी तस्कर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध शराब, वाहन, मोबाइल आदि बरामद किया। बरामद शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मऊ जिले की पुलिस द्वारा 50,000 रुपए का इनामी तस्कर धर्मेंद्र मौर्या भी गिरफ्तार हुआ है। खेत में मजदूरी करने वाले किसान को पुलिस चोरी के आरोप में घर से उठा ले गई। मृतक मजदूर के ससुर का आरोप है कि युवक पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर का कहना है कि प्रथम दृष्टया चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, लेकिन इंस्पेक्टर की लापरवाही के मद्देनजर उसे सस्पेंड कर दिया गया है और सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस मामले की जाँच अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को सौंपी गयी है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर मोहल्ला सुदामा नगर में 4 दिन पहले पैसे के लेन देन के विवाद में युवक सोनवीर ने 3 लोगों की गोली मार दी थी। इसमें एक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। दूसरे भाई की मौत आगरा एसन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गई थी, जबकि पीड़ितों के पिता की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। गोली कांड के मुख्य आरोपी सोनवीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें, पुलिस ने आरोपी से तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अंजुम पैलेस के पास नाले से एक अज्ञात बच्ची का शव मिला। इसकी शिनाख्त थाना खरखौदा क्षेत्र के लोहिया नगर की आसिफ के रूप में हुई है। बच्ची की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक बच्ची के पिता का कहना है कि 3 दिन पहले बच्ची के गायब होने की सूचना थाना खरखौदा की बिजली बम्बा चौकी पर दी थी। गुस्साए परिजनों ने हापुड़ रोड पीएससी के सामने रोड जाम कर दी। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। हमीरपुर पुलिस की लापरवाही से परेशान एक फौजी को परिवार सहित अनशन में बैठना पड़ा है। इस फौजी की पत्नी ने एक दबंग पर जबरन सार्वजनिक स्थान में कब्जा करने और विरोध करने पर अश्लीलता करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन ना तो दबंग को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और ना ही उसके खिलाफ चार्जशीट लगाकर उसे कोर्ट में दाखिल किया है। अब दबंग फौजी की पत्नी को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दे रहा है। मजबूरन फौजी को न्याय के लिए क्रमिक अनशन में बैठना पड़ा। वहीं पुलिस अधिकारियों ने तत्काल समाधान करने का आश्वासन दिया है। लखीमपुर खीरी के ग्राम मजिया थाना मैगलगंज में महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोपी महिला का पति मौके से फरार हो गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अवैध संबंध के चलते हत्या को अंजाम दिया था। वही आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली क्षेत्र में उस समय एक बड़ा हादसा हो गया
जब एक पुराने मकान को तोड़ते समय लेंटर गिरने से एक मजदूर नरेश मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के समय कई मजदूरों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल नरेश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद सैकड़ों ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजे की मांग की, इसके बाद अधिकारियों ने मुआवजे का आश्वासन दिया है। गाजीपुर जिला जेल में बंद कैदियों का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में जेल में बंद कैदी मोबाइल पर बात करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, गाजीपुर जिला जेल में बंद कैदी दावत उड़ाते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है, जबकि जेल के अफसर पूरी तरह मामले को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। फिलहाल जेल का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। मथुरा के राया थाना इलाके के नगला अम्बू के पास गंगा नहर में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, इससे महिला की हत्या किए जाने की आशंका है। वही पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कासगंज के एक सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ताला पड़े होने से हादसे में घायल महिला की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा काटा। मामला गंज डुंडवारा स्वास्थ्य केंद्र का है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई महिला दवा लेकर वापस पैदल घर जा रही थी, इसी बीच बाइक सवार ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल महिला को स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, लेकिन इमरजेंसी से लेकर स्वास्थ्य केंद्र पर ताला पड़ा हुआ है, इससे महिला को इलाज नहीं मिल सका और महिला की मौत हो गई। वही पुलिस जांच की बात कर रही है। बागपत में दो पक्षों में कहासुनी को लेकर हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया, जहां एक समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान तीन लोगों को गोली लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया गया और पुलिस जीप में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और कई लोगों को हिरासत में लिया है। गोलीबाजी के दौरान हमले में एक शख्स की मौत हो गई है। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, इसके चलते पीएसी कंपनी समेत भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जैव विविधता से भरपूर उत्तराखंड में एक अलग पर्यावरण निदेशालय बनाने की दिशा में विचार चल रहा है। कार्यक्रम में वन विभाग ने अपनी कार्य योजना रखते हुए कहा कि फॉरेस्ट फायर पर रोकथाम के लिए कृत्रिम बारिश के उपायों पर विचार किया जा रहा है। साथ ही सूखते प्राकृतिक जल स्रोतों को रिचार्ज करने के लिए सभी सामाजिक संस्थाओं, विभिन्न विभागों और वैज्ञानिकों के सामंजस्य से एक कमेटी बनाकर काम किया जा रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जागेश्वर से कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजाल ने भी प्रकाश पंत के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि प्रकाश पंत के निधन से पूरे प्रदेश में गहरा दुख है, उनके निधन से प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति है। प्रकाश पंत बहुत ही सरल और मृदुभाषी होने के साथ ही संसदीय ज्ञान के प्रखंड विद्वान थे। पंत का व्यवहार विपक्ष के विधायकों के साथ भी बहुत अच्छा रहता था, उन्होंने कभी भी संसदीय मर्यादा नहीं तोड़ी। वहीं प्रकाश पंत के निधन पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है, उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि प्रकाश पंत का निधन पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। प्रकाश पंत मृदुभाषी होने के साथ ही संसदीय ज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने बताया कि प्रकाश पंत के साथ उनकी उत्तर प्रदेश के समय से राजनीतिक मित्रता रही है। इंदिरा का कहना है कि प्रकाश पंत की जगह कोई नहीं ले सकता और अब सरकार को सदन चलाने में उनकी कमी का एहसास होगा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। पंत के निधन पर सभी राजनीतिक दलों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। विपक्ष का कार्यभार संभाल रहे कांग्रेस नेता मथुरादत्त जोशी ने भी वित्त मंत्री प्रकाश पंत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पंत का यूं चले जाना उत्तराखंड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वहीं पंत के निधन पर बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी वित्त मंत्री प्रकाश पंत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पंत जी बेहद सुलझे हुए राजनीतिक व्यक्ति थे। गर्मी बढ़ने के साथ ही काशीपुर आसपास के क्षेत्रों में आग लगने की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आग बुझाने वाला अग्निशमन विभाग खुद ही समस्याओं से जूझ रहा है। कर्मचारियों की भारी कमी के साथ ही नगर में जमींदोज हो चुके हाई टेंट भी विभाग को पूरी तरह से पंगु बनाए हुए हैं। ऐसे में आग की घटना पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की सांसें फूल जाती हैं। हालात ये हैं कि अग्निशमन विभाग के पास छोटी बड़ी 5 दमकल गाड़ियां तो हैं, पर उनको चलाने के लिए ड्राइवर तक नहीं है। ऐसे में विभाग को निजी फैक्ट्रियों की फायर ब्रिगेड का सहारा लेना पड़ रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन से पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। बेरीनाग में शहीद चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों ने प्रकाश पंत के निधन पर दुख जताया। नगर पंचायत अध्यक्ष हेम पंत और भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरज बिष्ट ने कहा है कि प्रकाश पंत ने पिथौरागढ़ जिले की पहचान पूरे विश्व में बनाई है। उनकी अगुवाई में पिथौरागढ़ जिला लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है।
रुड़की के खानपुर और जबरेड़ा विधायक की जुबानी जंग मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने चैंपियन के एक समर्थक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, जबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल की पत्नी वैजंती माला से चैंपियन के 3 समर्थकों पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं इस मामले में एक ने कोर्ट में स्टे ले लिया है, जबकि दूसरे ने सरेंडर करने प्रार्थना पत्र दिया था। सीओ रुड़की चंद्र सिंह पिछ ने बताया कि अगर दोनों हाजिर नहीं होते हैं तो घर की कुर्की की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरकारी और गैर